जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। लेकिन गाने के बाद तो आइए सुनते हैं महेश भाई। बाकीलाल ने कहा संगीत में बोलो स्वीट एंड शॉर्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ तमे तो आ रजू करो, पर हूँ शू करू, तमे कपड़ा बदल्या करो। ये आइटम में आप बाकेलाल को याद रखना, जिन्होंने भारत के कई सारे प्लेबैक सिंगरों को अपने घर खाने के लिए बुलाए। शर्त रखिए कि खाना तो होगा, लेकिन आपको जो भी खाना है दाल रोटी सब्जी वो सब गा गा कर ये मांगना पड़ेगा। अगर आपको दाल चाहिए तो आप कहेंगे दाल लाओ, लेकिन ऐसे नहीं, गा कर कहना पड़ेगा दाल लाओ। बस बस डब्बा बस ले बस, मारे बेटा डब्बा में दाल मांगा। सब प्लेबैक सिंगरों ने यह शर्त मंजूर कर ली, सब आ गए, सब सोच रहे हैं कैसे बोलेंगे, संगीत में क्या होगा। किशोर कुमार साहब भी आए थे, उन्होंने एक साथ तीन चीजें मंगवाई, तीन, ठंडा पानी, बिरयानी और तीखे तीखे पकौड़े। लेकिन वो देने के लिए कोई आया ही नहीं, तो किशोर कुमार साहब चिल्ला कर कहने, हे मेरे लिए ठंडा पानी कब लाएगा तू, बिरयानी कब लाएगा तू, तीखे तीखे पकौड़े कब खिलाएगा तू, जल्दी जा जल्दी ला। बाकी लाने का किशोर कुमार साहब, जो भी बोलना है वो संगीत में बोलो। अरे किशोर कुमार साहब, आप जो चाहिए वो तीन चीजें वो गाकर बोलिए। ओहो भूल गया, माफ करना। वन ठंडा पानी कब लाएगा तू, मेरे लिए बिरयानी कब लाएगा तू, कब टीके टीके पकोड़े खिलाएगा तू, जल्दी जा तू जल्दी ला तू जल्दी ला। पकोड़े पकोड़े ओ नो 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 रे थैंक यू वेरी मच। लता मंगेशकर जी भी आई थी, लता जी को किसी ने कहा आप क्या खाएगी, तो लता जी ने कहा दो तीन बटा के रखना, सब्जी पका के रखना, गर्मा गर्म चपाती घी में दबा के रखना। क्या कहा लता जी, दो तीन बटा के रखना, सब्जी पका के रखना, गर्मा गर्म चपाती घी में दबा के रखना। बाकेलाल ने कहा लता जी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो भी बोलना है वो संगीत में बोलो। थैंक यू वेरी मच। कुमार शानू और अलका याग्निक आए थे, दोनों जलेबियां की तारीफ कर रहे थे कि क्या जलेबियां बनी है। कुमार शानू ने कहा उतरी गले से धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, तुम्हारी जलेबियां तो दिल ले गई। अलका याग्निक ने कहा ला 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 जलेबियां ला। बाकी लाल का अलका जी, अरे कुमार शानू अलका जी आप क्या करे, ला 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 जलेबियां ला। अरे संगीत में बोलो ला 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 ला, बोलो संगीत में ला 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 ला। सर की गले से वो धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, तेरी जलेबियां दिल ले गई।
गई। आशा भोसले, आशा भोसले जी को गर्मा गर्म भजी दी हरी मिर्ची वाली और कहा खाओ, गुजराती माँ कहो के लीला मरचा नू माफ करना भजियो गर्मा गर्म खाओ के। आशा जी ने कहा ये मिर्ची अरे कैसे खाए हम, ये भजी है गरम, कैसे खाए हम भजी है गरम, इसमें हरी मिर्ची है, अरे राम तू 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 कि तू। बांकेला ने कहा आशा जी जो भी बोलना वो संगीत में बोलो। शमशाद बेगम ये तो गुजराती में बोला के बांकेला तमारो साड़ो मूड़ो मसाला वालो लायो, मूड़ो मसाला वालो लायो तमारो साड़ो खाईने तो मारी राड फाटी गई, खाईने राड फाटी गई। बांकेल बांकेला ने कहा बहुत शुक्रिया तमे गुजराती में बोलो। शू फाटी गयो बांकेलाल? मारी राड फाटी। अच्छा तो बराबर। तो बांकेलाल ने कहा जो भी बोलना है वो संगीत में बोलो। सुर है कोई? नाउ लास्ट वन, आखिरी एक सिंगर ऐसे जरा अलग वॉइस, रेशमा हीरो, हीरो में वो आई थी चमक गई थी। उन्होंने खिचड़ी और दाल मंगवाई, खिचड़ी तो आई पर दाल ना आई। 4 घंटे तक इंतजार किया फिर भी दाल ना आई, तो रेशमा ने कहा कि 4 घंटों से इंतजार किया बड़ी देर लगाई, ये खिचड़ी तो आई पर दाल ना आई। बांकेला ने कहा रेशमा जी संगीत में बोलो। चार घंटों से इंतजार किया बड़ी देर लगा।